उम्भा गांव के लोगों ने 17 जुलाई को जो दृश्य देखा उसको शायद ही वो जीवन भर भूल पाएंगे। इस गांव में कई परिवार नष्ट हो गए, 10 लोगों की मौत के अलावा करीब करीब 2 दर्जन से ज्यादा लोग घायल अवस्था में पड़े हुए हैं। ऐसे में यहां पर हम लोगों से जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर ऐसा क्या हुआ था उस दिन कि जिसको उन्होंने खुद अपनी आंखों से देखा। आप लोगों में से कौन ऐसा है जो घायल है, जो इनको जिनको चोट लगी है? आप 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 आपको चोट लगी है? घायल थी? हमके नहीं लगा, हमारे पति को लगा। जी, आपके पति को? आप थी मौके पे? नहीं, घर। अच्छा, आपको भी चोट लगी है क्या? ना। अच्छा, ना। तो ये बताइए कि वहाँ पर जब आप पहुँची मौके पे क्या देखा था फिर आपने? हम वहाँ नहीं गए थे। जब आप घटनास्थल पहुँचे अपने पति के पास? घर ही रहे हम। घर पे आए थे? हाँ। आपको सूचना मिली थी कि वहाँ पर गोलीबारी हो रही, कुछ आपको बताया गया था? नहीं, हम नहीं घर ही उठे, हम कहाँ बताए। कौन है जिसने जो वहाँ घटनास्थल पे मौजूद था? घर। घटनास्थल पे कौन था? विवाद हुआ था, कोई था इसमें से? कौन था? आप थी? आओ, आप अपना इंटरव्यू। मुआवजा मिला? चोट लगी क्या हाथ में? जी, क्या नाम है आपका? अनारा कुमारी। आपने देखा था घटना क्या हुआ? हाँ। क्या घटना हुई थी? अरे आया था तो बड़ी गोली चली था, हम तो भागे, का करी। हाँ, गोली चला था, अपन जान बचाई के अपन प्राणी बचाई है। गोली चला था, धड़े धड़ धड़ा धड़ धड़ा था। कितने लोग थे गोली चलाने वाले? अब का जाने कई मिला रहे ना, मार गोली चला था तो का जाने जाए। तो आप लोग वहाँ से भागे जान बचा करके? जान बचा के भागे, हमारे पीछे छर्रा छर छर करे, हम तो चप्पल छोड़ के हम आए खेतवाई बा, हमारे चप्पल बा, का करी। आप क्या किसी गोली लग गई है? किसकी गोली लग गई? पति, हमारे पति की। उनकी तबीयत कैसी है? अब इस पता यहाँ है लोड़ी है ना, हम कहा जानी कैसे ना, फोन वोन उतर नहीं बात, कहा जानी। अच्छा, आपने जब वहाँ देखा तो वहाँ कुछ लोग मरे मर भी गए थे, जब आप पहुँची वहाँ पर, कि आप साथ में थी वहाँ पे अपने पति के? नहीं, हम खून एक देख के हम गश्ती आए गए, कहा जाने, हम खून खतरा देखे। अच्छा, खून करे अस्पताल ले गए, हम नहीं देखे, घरे नहीं लिया रहे, घरे नहीं लिया रहे, वहीं से सीधे अस्पताल लेके चले गए। आप लोग भी गांव के लोग, आप लोग भी पीड़ित परिवार में से कोई हैं? जी, क्या नाम है आपका? सोनी। जी, थोड़ा तेज बोलिए। सोनी। हाँ, थोड़ा तेज बोलिए। मुआवजा मिला आपको सरकार की तरफ से? नहीं, हम नहीं रहे घर। अच्छा, मायके चली गई। अच्छा, आपके घर में जो है किसी को चोट लगी है, किसी गोली लगी क्या? हमारे पति के लगा है। आपके पति को गोली लगी? तो आप ये बताइए कि वहाँ पर आपको क्या मालूम पड़ा कि जब आप पहुँचे वहाँ पर, या आप लोगों ने देखा, या क्या बताया गया आपको? हम नहीं पहुँच पाए, वो सब चल गए अस्पताल, मायके चली गई रही। खड़े होइए आप, खड़े। किस्मत। क्या नाम है आपका? किस्मत। अच्छा, आपके यहाँ किसकी मौत हो गई है? हमारे भाई जी रामचंद्र के। अच्छा, क्या कर रहे वहाँ? खेत पे काम कर रहे थे, क्या कर रहे थे? खेत का वहाँ काम करने नहीं गए भैया जी, वहाँ हमारे भाई लोग, वहाँ हमारे पिताजी जो हैं वो खुद कबार काट करके वहाँ मतलब के खेत जोतते कोड़ते इतना दिन हो गए, ठीक ना। इसके बाद जोतते कोड़ते हमारे पिताजी देहांत हो गए, इसके बाद हमारे भैया जी रामचंद्र जी, गांव के लोग जितना लोग हैं काटे खुद कबार, इसी में हमारे भैया जोतते कोड़ते खाते रहे उसी में। इसके बाद पता नहीं प्रधान जी हमारे एक दत्त भैया जी ने प्रधान आया उनके, इसके बाद प्रधानी का, इसके बाद प्रधानी जीते सबके जनता के साथ। इसके बाद उनके पता नहीं वे खेत देख उनके लालच आया, कहा आया कैसे कहा हुआ, और इसके बाद वो यहाँ खेत में वहाँ यही लोग मतलब जोत कोड़ कर रहे हैं सब दिना से। इसके बाद वो अपना नामे गामे चढ़ाए कैसे कराए, हम इसके बारे में भाई बहन है हम, उनका यहाँ का जन्म हमारा यहाँ है। 17 जुलाई को क्या हुआ था यहाँ पे? 17 जुलाई की हम भाई गोली चला,
कहाँ से लोग आए थे, कितने लोग आए? सब ही आए, हम तो नहीं थे। जब कांड करके चले गए, इसके बाद हमारे यहाँ सूचना आ गए तो हम भाई के पास चले आए। इसके बाद हमें प्रशासन हम लोग साथ में, जब आए तो यहाँ एक जनता दिखाया, न एक गाड़ी दिखाया, न एक बंदूक, कुछ नहीं दिखाया। खारे जितने हमारे भाई बंधु बहन लोग हैं, सब भौजाई लोग बीच गए रहे। इसके बाद प्रशासन तभी जुटा। इसके बाद हम लोग साथ में मतलब लोगों के सब लाद लाद के अस्पताल भेजे। ये बताइए कि ये जो विवाद था, ये कब से चला आ रहा था? ये जमीन का झगड़ा कब से चल रहा था? ये जमीन का झगड़ा लग रहा है 3 साल हो गया का भाई, यहाँ के हम तो है नहीं, बहन है 2 साल से बता रहे लोग। अच्छा तो ये बताइए तो फिर यहाँ पर और कितने लोग, यहाँ पर और भी आपके भाई के साथ भी लोग थे जो जिनकी मौत हो गई यहाँ पर? हाँ हाँ, पूरे गाँव थे ना भाई, सभी गाँव थे, एक भाई थे, एक है सब, तो सब एक नहीं रहेंगे तब कैसे होंगे। उन लोग वहाँ पर गए होंगे, वो लोग आए होंगे, वो लोग मना करे होंगे या ना माने होंगे, इसलिए वो लोग गोली चलाए ऐसे किए होंगे। हम तो यहाँ रहे पे नहीं, जो मौके पर यहाँ वो बताएगा। पुलिस यहाँ पर कब आई थी? पुलिस साहब हमारे तेंदुआ घुआस कॉलोनी के बगल में, हमारे तेंदुआ गाँव है, 100 नंबर ने पहले आया दरोगा साहब, हम लोग साथ में आए। वो लड़का जो है मोटरसाइकिल के साथ में हम लोग आए, जो दरोगा साहब हैं, हम और पुलिस साथ हम लोग आए थे। हम लोग पूरे जितना लाश और जितने घायल थे उतना लोगों के गाड़ी में लाद लाद करके जीप में, वो लड़का के मोटरसाइकिल में हम लोग अपने हाथ ला दे, तब जाके अस्पताल में गए थे वो लोग। वो पगाड़ी वाला लड़का के साथ थे और दरोगा, हम लोग साथ में मोटरसाइकिल उनमें साथ में उनको लाद दा, हम लोग लादे गए। हाँ हाँ, सफेद जो पहरा है कि हमारे भतीजी करा, भाई भतीज नहीं थे ना, फोन करा था, दौड़ पड़े उसका, अब तक को भौजाई थे, पहले गुजर गया भाई बचा तो गुजर गया, तो भाई दौड़ पर जिसका रहता था वो नहीं जाता था, इसके बाद किसी नहीं जाता ना। जिस गांव में आज सरकारी अधिकारियों का जमावड़ा लगा हुआ है, उस गांव में कभी कोई झांकने भी नहीं आता था, वरना शायद इन तमाम महिलाओं में किसी का भाई, किसी का पति, किसी का बेटा नहीं जाता। लेकिन हकीकत यह है कि इस गाँव के लोगों की कभी सुध नहीं ली गई। अगर प्रशासनिक अमला थोड़ा सा भी मुस्तैद होता तो शायद इतनी बड़ी घटना को अंजाम नहीं दिया जा सकता था। हमारे साथ बहुत सारे पीड़ित परिवार के लोग मौजूद हैं जो बहुत दुखी हैं। आप देखिए, इनसे हम बात करेंगे और जानेंगे कि आखिर घटना का क्या था। ये घटनास्थल पर मौजूद थी, क्या नाम है आपका? सीता। क्या हुआ था उस दिन क्या हुआ? 17 जुलाई को क्या हो गया था? 17 तारीख के गोली चल रहा है, आपने देखा था? हाँ, सामने मौके के साथ रहे। तो आपके किसी की डेथ हो गई? किसकी मौत हो गई? हमारे पति के। क्या नाम था पति का? राम सुंदर। अच्छा, उनकी मौत हो गई? हाँ, तुरंत तो ही गोली से मार के गिराए थे, गोली से नहीं मारे तो गोजी से मार के मुंह आए, डंडे से। हाँ, डंडे से मार के। अच्छा, मतलब पहले गोलियां मारी फिर डंडे से मारे, तब तक मतलब वहाँ पर वो लोग मारते रहे, भागे नहीं वहाँ से? बाद में जब लगे मार एकदम आवाज करे लगे, मार गोली चले लगा धड़ाधड़, तब सब अपन अपन जान बचा के भागने लगे सब। कितने लोग आए थे? घर से 200-300 आदमी रहे, 150 आदमी साथ में रहे, 100-150 आदमी नदी के किनारे रहे। जब सब लोग इकट्ठा भए तो सब दौड़ पड़े गोजी बंदूक ले ले। कितनी देर गोली चली वहाँ पे? अरे कम से कम तो 1 घंटा। 1 घंटे तो गोली। हाँ, 100 नंबर यहाँ से कुल फोन लगाए लगे, के अधिकारी सुनवार नहीं, पुलिस नहीं आई, नहीं 1 घंटे तो गोली चलती रही। हाँ, नहीं आए, फोन जाते रहे, उठबो नहीं करते रहे। अब एक बाद लाश जब गिर गए, सब अपने अपने गाड़ी घोड़ा आदमी लेके सब भग गए, नो पलटी, तब शासन आए, 100 नंबर आए, एक बाद पुलिस कतवा ले आए और जुरांत अपने हाथ लाश उठाए उठाए लाद के से लेके चला गए। आपके सामने कितने लोगों की लाशें गिर चुकी थी वहाँ पे? 6-7 लोगों का, 4 लोगों तो एक जगह बिछा रहे, नहीं से 6-7 लोगों का इकट्ठा गिरा, एक आध दू मिला रास्ते में घायल, कुल मिला 10 जने का मृत्यु हो गया। ये बताइए कि क्या आपको लग रहा है कि जो लोग आए थे वो जान से मारने की नियत से आए थे? तब न गिराए दे, जान से मरबे करे ना, कुदाए कुदाए एकदम गोली मारत रहे, सब भाग गत रहे तो उन्हें पर जिंदगी तो लेवर ने ले कर रहे तो न मारी है। अच्छा, ये भी बता रहे कुछ लोग यहाँ पर कोई नाला है उसमें छुप गए थे? हाँ, नाला भी पश्चिम तरफ है, लड़ाई विभाग का पश्चिम तरफ नाला पर छुपे रहे बहुत लोग, वहाँ पर वहाँ पर भी निकाल के मारा लोगों को वहाँ से भी। जब दोनों पीछे दौड़े लागे तब तो वो लोग नदिया पर से आ गए, सब इकट्ठा हो गए, ये बोल का कुछ नहीं रहा, पहाट पहाट के मारे लगे, गोजी डंडा कर सब गोली पर, उससे अपन जान बचे सब मर वही, आज रहे होते सबके बिछाए दे होते। आपके परिवार में कितने लोग हैं? 5 लड़कियां 1 लड़की है हमारे पास।
अब इनका भरण पोषण कैसे होगा, क्या होगा, कहा बताई, कैसे आप ही बताई। सरकार ने मुआवजा दिया? अब ये लिखत पढ़ते हैं, जाने सरकार, हम लोग पढ़ा नहीं लिखा, हम लोग का जाने कितना देते हैं, कितना का करते हैं। अच्छा, प्रियंका गांधी भी मिलने चाह रही थी आप लोगों से, मुलाकात हुई थी आप लोगों की? आप लोग कल गए थे वहाँ पे? नहीं, प्रियंका गांधी का इंतजार था आप लोगों की, आएंगी यहाँ मुलाकात होगी। हाँ, क्या इंतजार कर रही थी? थाना पुलिस रास्ते में रोक दे तो कहाँ इंतजार करी हम लोग। हमारे सामने जो आप दृश्य देख रहे हैं, ये वो 10 लोग हैं, 10 पीड़ित परिवार हैं, जिनके यहाँ लोगों की हत्याएं हुई, इनके यहाँ जिनके यहाँ लोगों को गोली मारी गई, और इसमें से तमाम लोग इस बात के गवाह हैं। उन्होंने खुद अपनी आंखों से देखा कि किस तरीके से उनके परिवार के लोगों को गोलियों से भूना जा रहा था। एक बात तो इस तफ्तीश के दौरान पूरी तय है कि जो हमलावर थे वो हत्या करने की ही नीयत से आए थे, क्योंकि पहले गोलियों से मारा, और इस बात की तस्दीक करने के लिए कि लोग मर गए हैं, वास्तव में उनको लाठियों से पीटा गया, यानी इस बात के लेके उन्होंने इस बात को तस्दीक किया, इस बात को उन्होंने इंश्योर किया कि जिन लोगों पर उन्होंने हमला किया है वो मर गए, यानी मरने के बाद ही उन्होंने यहां से ये गांव छोड़ा। करीब करीब 250 से 300 लोग आए। यहां पर एक बहुत बड़ा सवाल ये भी खड़ा होता है कि आखिर इतने लोग जब हमला करने की नियत से किसी दूसरे गांव में दाखिल हो रहे हैं तो आखिर पुलिस क्या कर रही थी यहां पर? दूसरी बात ये कि जब एक घंटे तक गोलीबारी होती रही, उस बीच में यहां पर पुलिस के लोग क्यों नहीं आए? ये दो बड़े ऐसे सवाल हैं जो कहीं ना कहीं पुलिस और प्रशासन की नियत पे शक पैदा करते हैं। आप बताइए, क्या नाम है आपका? लाल देई। लाल देई, आप यहां किसकी मौत हो गई? पति हमारे। अच्छा, आपके पति हैं, आप आगे आइए। तो ये बताइए कि आप वहाँ पर मौके पे गई थी? वहाँ पर? हाँ जी, गए मौके पे थी वहाँ जी। क्या देखा आपने वहाँ पे? वहाँ गए जब देखा सब गाड़ी चल रहे तो रोकने लगे तो सब गोली चलाने लगे। अच्छा, जब गोली चलाने लगे सब गिर गए गोली पर, तो उसके लगे गोली से मारने लगे, जब लगे पराने तो जिसके पराने कुदा कुदा कर गोली चलाने, घर में घुस घुस गोली चलाने, जो आधा घायल रहा उसके गोजी से मार मार मुंगा देना धरती पे। एक एक आदमी पे कितने कितने लोग थे वहाँ पर, कितने लोग मारे थे एक आदमी को? एक आदमी के कम से कम दो दो तीन तीन मैंने एक आदमी को मारे, गोजी चला रहे हैं जे गिर गया गोली से। ये बताइए कि ये पुलिस, ये भी कहा जा रहा है कि पुलिस ने कुछ दिन पहले यहाँ पर गांव के लोगों को फोन करके कहा था कि आके समझौता कर लो, क्या ये बात सही है? ये नहीं, कोई नहीं समझौता किया है यहाँ। तो अब ये बताइए कि जब यहाँ पर जब आपने पुलिस को सूचना दिया, यहाँ गांव के लोग जब फोन कर रहे थे, तो क्या बीच में से कोई आदमी ऐसा नहीं था जो गांव से निकल करके पुलिस के पास गया, उसने वहाँ पर कहा कि चलिए यहाँ पर घटना हो गई है, ऐसा कुछ था कि यहाँ पर सब लोग जान बचा के भागी रहे थे यहाँ पे अपनी? सब जान बचा के भागी रहे, कोई नहीं पुलिस को सूचना दी। आप अपने पति के साथ थी? साथ में है जी, जब पति हमारे लगे हड़बड़ाने था, वहाँ उठाने बटोरने धुकने लगे, तो माँ अल्लाह जब वहाँ लात है तो वो जी से पीटने लगे, जब हम बचा गए हम भी भाग गए, हम जान चल गए। तो घर में कौन कौन है, कितने बच्चे हैं आपके? हमारे तीन, दो बच्चे हैं, एक बच्ची है, नान नान है, छोटा छोटा छोटे बच्चे।